नमस्कार बागवान भाइयों, बागवानी की बात YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। बागवान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निचले क्षेत्रों में सेब तुरान का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी सेब तुरान का कार्य अपने अंतिम पड़ाव पर पहुँच रहा है। इसके अलावा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर भी सेब तुरान का कार्य शुरू हो चुका है और यहाँ पर अभी सेब तुरान का कार्य लंबे समय तक चलने वाला है। तो ऐसे में जो बागवान भाई सेब तुरान के कार्य से समाप्त हो चुके हैं, उन्हें अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बागवान भाइयों, पोस्ट हार्वेस्ट में चार प्रकार के तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पौधों को रहती है। ये चार तत्व है बागवान भाइयों, नाइट्रोजन, जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम। इनका किस तरह से पौधे में उपयोग करना है, किस तरह से इनका छिड़काव या किस तरह से इनको पौधे को देना है, इस पर विस्तार से चर्चा करने से पहले, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। हम बागवानी से संबंधित वीडियोज़ लगातार आपके लिए बनाते रहते हैं। तो जो बागवान भाई इस समय सेब तुरान के कार्य से समाप्त हो चुके हैं, उन्हें सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना है कि इस वर्ष उनके किस तरह की फसल हुई है। जिन बागवान भाइयों के इस सीज़न में कम फसल हुई है, उन्हें पोस्ट हार्वेस्ट में ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे पौधे जिन पर कम फसल हुई है, वह पूरे साल में सारे न्यूट्रिएंट्स अपने में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन जिन बागवान भाइयों के इस साल अधिक फसल हुई है और वो अगले साल भी अच्छी फसल की उम्मीद रखते हैं, तो उन्हें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। बागवान भाइयों, जो बागवान भाई सेब तुरान के कार्य से समाप्त हो चुके हैं, तो सेब तुरान के तुरंत बाद उन्हें सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव 200 लीटर पानी में 600 ग्राम मात्रा मिलाकर प्रयोग करना है। बागवान भाइयों, जब भी सेब तुरान होता है तो ऐसे में जो घाव पौधे पर लगे होते हैं और जो टहनियों और बीमों की टूट फूट होती है, उनमें ऐसे समय में कैंकर लगने की संभावना अधिक रहती है। तो बागवान भाइयों, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस पर अपनी परत जमाए रखता है और इस तरह के रोगों से पौधे को प्रोटेक्शन देता है। इसलिए सेब तुरान के तुरंत बाद सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव पौधे पर किया जाना चाहिए। इसके 5 से 7 दिन के अंतराल में बागवान भाइयों को जिंक, बोरोन और मैग्नीशियम का छिड़काव अपने पौधों पर करना चाहिए। बागवान भाइयों, सेब तुरान के समय जो एनर्जी हमारा पौधा वेस्ट करता है, बागवान भाइयों, उसे रिस्टोर करने के लिए इन तत्वों का छिड़काव ज़रूर रूप से किया जाना चाहिए। इससे आपके पौधे को मजबूती मिलेगी और अगले वर्ष के लिए अच्छा बीमा तैयार होता है बागवान भाइयों। इसलिए लगभग 1 सप्ताह के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के छिड़काव के बाद यह 3 न्यूट्रेंट्स ज़रूर रूप से पौधों को देने हैं। बागवान भाइयों, बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन भी इस समय पौधे के लिए बहुत ज़रूरी तत्व है। आप इसे 2 तरीके से अपने पौधों को दे सकते हैं, सॉइल के माध्यम से और फॉलियर के माध्यम से। बागवान भाइयों, जिन बागवान भाइयों के पत्तियां अभी बची हुई है, अभी तक झड़ी नहीं है, वो बागवान भाई सॉइल में नाइट्रोजन को दे सकते हैं। इस समय पौधे को 300 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। 300 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन, यानी यदि आप यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यूरिया में 48% नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया का प्रयोग आप प्रति पौधे में 600 से 700 ग्राम तक कर सकते हैं। बागवान भाइयों, इससे ज़्यादा नाइट्रोजन पौधे को नहीं देनी है। और जिन बागवान भाइयों के पत्तियां झड़ चुकी है और पौधे में बहुत ही कम पत्तियां रह चुकी है, उन्हें तौलिए में नाइट्रोजन अप्लाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऐसे बागवान भाई जिनकी पत्तियां नष्ट हो चुकी हैं और पौधे में बहुत ही कम पत्तियां बची हैं, उन्हें फॉलियर स्प्रे के रूप में नाइट्रोजन पौधे को देना है। बागवान भाई, इस समय नाइट्रोजन की 6 किलोग्राम मात्रा पौधों को दे सकते हैं। बागवान भाई इसे तोड़कर 2 भागों में भी बांट सकते हैं।
3 किलोग्राम यूरिया का 200 लीटर पानी में घोल बनाकर एक छिड़काव सेब द्रोण के लगभग 3 सप्ताह के बाद करना है, और उसके एक सप्ताह के बाद फिर से 3 किलोग्राम यूरिया 200 लीटर पानी में मिलाकर फिर से एक डोज पौधे को देना है। बागवान भाइयों, कुछ बागवान भाई इस समय एनपीके का यूज़ भी करते हैं। बागवान भाइयों बता दें कि इस समय केवल नाइट्रोजन की आवश्यकता ही पौधों को होती है। जो बागवान भाई एनपीके का यूज़ करते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस समय पौधे को 300 ग्राम एक्चुअल नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो एनपीके में नाइट्रोजन की जितनी मात्रा है उसका परसेंटेज निकाल के उतनी ही मात्रा में आपको पौधों को नाइट्रोजन या एनपीके देनी है। बागवान भाइयों, यह एनपीके अगले साल के लिए स्टोर होती है, पौधा इसे अपने तने में स्टोर करके रखता है, और जब अगले साल बड ब्रेकिंग होती है उस समय बागवान भाई इन तत्वों का प्रयोग करता है, जो तत्व हम सेब द्रोण के बाद अपने पौधों को देते हैं। तो बागवान भाइयों, यह थी पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रेंट्स मैनेजमेंट की बात। बागवान भाइयों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बागवान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय बागवान।